नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, क्षय आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित कहानियों पर चर्चा करेंगे। तीसरी कहानी के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कहानी मधवा को रखा गया है। जयशंकर प्रसाद की परिचय के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ 1890 ईस्वी में, किंतु बचपन में ही इनके पिता के दिवंगत हो जाने के कारण परिवार का बोझ इनके अवयस्क कंधों के ऊपर आ गया, इसलिए वे 8वीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के भी प्रकांड पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया, इसलिए उनके साहित्य का मूल स्वर है भारतीय संस्कृति। नाटक, कविता, कहानियाँ, निबंध आदि विधाओं में जो कुछ उन्होंने लिखा, उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ झलकती है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद, गीतात्मकता तथा व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता है। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में सराबोर उनकी कहानियों के पात्र पाठक के मन पर अमित छाप छोड़ जाते हैं। प्रसाद जी मूलतः नाटककार और कवि हैं। उनकी कहानियों में भी उनके ये दोनों रूप मुखर हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण उनकी कहानियाँ नाटक और कविता के अधिक समीप लगती हैं। तत्सम शब्दों के प्रयोग से वे वातावरण का सजीव निर्माण करते हैं। उनकी भाषा शैली का अलग वैशिष्ट है, इसलिए कहानी में प्रसाद शैली ही प्रचलित हो गई। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल उनके कहानी संकलन हैं। मधुवा जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई, प्रसाद जी ऐसे कहानीकार हैं जो कहानी के रचाव पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। वे अपनी कहानियों में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग, रहस्य भावना जैसे उदात्त भावों को व्यक्त करते हैं, इसलिए उनके पात्र भी बहुत समृद्ध व्यक्तित्व वाले होते हैं। शिल्प विधान और सशक्त पात्रों के संयोजन के कारण ही प्रसाद की कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न दिखाई देती हैं, और इसलिए कहानी में प्रसाद स्कूल की अवधारणा को बल मिला। किंतु प्रसाद ने कुछ ऐसी कहानियाँ भी लिखी जिनमें उनका अंदाज अपने मूल स्वभाव से सर्वथा भिन्न है। गुंडा, छोटा जादूगर, मधुवा आदि कहानियाँ इसी कोटि में आती हैं। इन कहानियों में वे साधारण जिंदगी जी रहे पात्रों की मानसिकता का मोहक चित्रण करते हैं। मधुवा कहानी भी एक ऐसे ही अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं की कहानी है जिसे शराब पीने की लत पड़ी हुई है, किंतु वह काम धाम कुछ नहीं करता। वह एक जमींदार के पास जाता है और उसे झूठे किस्से सुना सुनाकर उसका मनोरंजन करता है। बदले में जमींदार उसे शराब के लिए पैसे देता है, किंतु मूलतः वह व्यक्ति एक सामान्य इंसान है। वह जानता है कि वह जमींदार के समक्ष झूठ बोल रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। जमींदार उसे मनोरंजन की चीज़ समझता है। ये मानव के शोषण का एक अलग ही स्तर है। किंतु शराबी अंदर से एक सीधा साधा आदमी है जिसके लिए मनुष्यता की रक्षा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से भी बड़ी है। यहाँ प्रसाद जी एक शराबी की मानवीयता और एक जमींदार की असंवेदनशीलता का चित्रण करते हैं। एक बच्चे की भूख शराबी की ज़िंदगी बदल देती है। वह शराब छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़ता है और मेहनत से कमाकर खाने में गौरव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार ये कहानी दो विपरीत मानसिकताओं को एक साथ रूपायित कर मानवीय संवेदना की विजय की घोषणा करती है।